सुकमा जिले के भेज्जी और जगरगुंडा इलाके में 19 माओवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से जगरगुंडा के 3 माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। वहीं भेज्जी क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए 5 माओवादियों के खिलाफ विभिन्न थानों में अपराध दर्ज किया गया है। ये सभी माओवादी हत्या लूट के साथ ही माओवादी गतिविधियों में शामिल थे। सुकमा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। सुकमा जिले में थाना भेज्जी और जगरगुंडा क्षेत्र अंतर्गत करीब 19 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 3 नक्सली ऐसे हैं जो जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम पूर्व से घोषित है। इसमें से 3 ऐसे नक्सली गिरफ्तार हुए हैं जो पुराने प्रकरणों में उनके खिलाफ में स्थायी वारंट जारी हुआ था, और प्रारंभिक पूछताछ के बाद इसमें से करीब 14 ऐसे नक्सली मिले हैं जिनके पास विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। कुल 19 नक्सली है जिनको पूछताछ के पश्चात जब उनके पता चला कि सारे पुराने अपराधों में संलिप्तता है, इनको रिमांड पर जेल भेजा गया। सुकमा क्षेत्र में माओवादियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है।